अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन का फर्जी केस बनाकर दुकानदारों से लूट, बेलापुर के मनपा अधिकारियों के खिलाफ शिकायत, कार्रवाई की मांग। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर नगर पालिका ने लूट मचा रखी, इसलिए धांधली है। पालिका प्रशासन खुद के आदमी वहां पे भेज के दुकानदारों से उन नियमों का उल्लंघन करवा के खुद ही फाइन ऐंठने का एक नया तरीका आज चालू हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई मनपा अधिकारी फर्जी तरीके से खुद भीड़ लगवाए और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन बताकर दुकानदारों से पैसे वसूले तो आप इसे जंगल राज नहीं तो और क्या कहेंगे। नवी मुंबई के बेलापुर इलाके से मनपा अधिकारियों की ऐसी ही धांधली के खिलाफ एडवोकेट अरुण जोशी और ललित बुंदेला ने मनपा और पुलिस आयुक्त से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। एडवोकेट अरुण जोशी ने कहा कि लॉकडाउन में किसी तरह लोग अपना पेट पालने के लिए रोजी रोटी कमाने में जुटे हैं, तब मनपा के कुछ अधिकारी इन्हें लूटने में लगे हैं। आखिर यह जंगल राज का सबूत नहीं तो और क्या है। पूरी इंडिया की सिचुएशन आज ऐसी है कि कोरोना वायरस की वजह से आज 5 महीने से लोग घर में बंद है और ऐसे माहौल में आज लोगों का जीना मीन्स आज रोजगार नहीं है, ना ही उनके पास पैसा है। आम आदमी अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए रस्ते पे उतर के कुछ ना कुछ रोजगार कमा रहा है। पालिका प्रशासन खुद के आदमी वहां पे बेच के दुकानदारों से उन नियमों का उल्लंघन करवा के खुद ही फाइन ऐंठने का एक नया तरीका आज चालू हो चुका है। एक दुकानदार दुकान के अंदर है लेकिन उसके ऊपर बाहर थूकने का फाइन 1000 रुपए लगाया है। दुकान के सामने 6 आदमी 5 आदमी कोई आदमी नहीं है फिर भी उसके ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग का फाइन लगाया जा रहा है। एक ही आदमी पे हफ्ते में 4-4 बार फाइन लगाया जा रहा है। ये जो लूट चालू है कि मैं बोलता हूँ कि ये पालिका प्रशासन, ये गवर्नमेंट जो है ये पब्लिक के लिए है या अभी दंडाधिकारी क्या होते हो उसकी दंड वसूल करने वाली एक सरकार बन चुकी है। ये मेरा सरकार से सवाल है कि कृपया आज की सिचुएशन में आम आदमी का सोचो, मध्यम वर्ग का सोचो, उनके जीवन मान का उचार करो। मैं कल ऐसे ही खड़ा था वहां पर तो मैं सामने देखा कि अचानक से एक सब्जी वाले के सामने ट्रक आके खड़ा हो गया सामने अतिक्रमण वालों का, नवी मुंबई महानगर पालिका का। उस ट्रक में से कुछ 6-7 लोग उतरे और उस सब्जी वाले के सामने जाकर भीड़ कर जमा दी उन्होंने और फिर उसके बाद कुछ ही मिनट में 1-2 मिनट में ही उनके अधिकारी पीछे से दूसरी गाड़ी लेकर आए और उन्होंने फ़ोटो खींचकर उससे कहा सब्जी वाले से कि भाई तुम्हारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और आपको 2000 रुपया फ़ाइन भरना पड़ेगा। और तुरंत उन्होंने मेरे सामने उसकी 2000 की रसीद बना ली और उससे 2000 लेके तुरंत वो लोग सब उस अतिक्रमण के ट्रक में चढ़ गए और ये अधिकारी भी अपनी अपनी गाड़ियों में निकल गए और बाद में वहाँ पर जगह खाली थी। मतलब बिना मतलब के उन्होंने उनसे 2000 रुपये वसूले, जो कि आज के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर नगर पालिका ने लूट मचा रखी है। खुद ही भेजते हैं और खुद ही कार्रवाई करते हैं और एक देखा गया कि उनकी जो रिसिप्ट होती है उसके नीचे कार्बन भी नहीं होता है, वो प्लेन पावती बनाकर दे रहे हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, इसलिए हमने आवाज़ उठाई है। शिकायतकर्ताओं की माने तो बेलापुर के मनपा अधिकारी दारू की दुकानों और बड़े होटलों पर लगने वाली भीड़ को देख कर भी खामोश रहते हैं क्योंकि वहां से मोटा हफ्ता मिलता है, जबकि छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा पेश पेनाल्टी की यह पर्चियां इसका सबूत देती हैं। गौर कीजिए, यह एक बड़े होटल से वसूला गया सिर्फ 500 रुपये का दंड है, जबकि एक फुटपाती दुकानदार से 2-2 हजार की पेनाल्टी वसूली जाती है। यह पर्चियां अधिकारियों की धांधली का सबूत नहीं तो और क्या है। सवाल यह है कि फुटपाथ पर भाजी बेचकर जिंदगी चलाने वालों के साथ मनपा का या न्याय आखिर क्यों। बेलापुर में बीकानेर है,
हमारे यहाँ पे एक विश्वानंद होटल है, हमारे यहाँ पे एक शंकर पैलेस होटल है, ये सब दिन भर शाम के 6-7-8 बजे तक चालू रहते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं जाती। आगे की रणनीति ये है कि हम आगे, अभी ये जो लेटर है हमने आपको दिखाया है, ये लेटर अभी हम ऑनलाइन कमिश्नर ऑफ आयुक्त महानगर पालिका, उसके ऊपर उनका जो डिपार्टमेंट रहेगा बड़ा डिपार्टमेंट, उनको भी, पुलिस स्टेशन को, उनके ऊपर पुलिस कमिश्नर, उनके ऊपर DGP, होम मिनिस्टर, इन सबको टैग करके हम उनको ये कंप्लेंट करने वाले हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो आजकल पब्लिक के में दहशत पैदा करके उनसे पैसे ऐंठने की एक साजिश रच रहे हैं, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। ये धांधली है, मुझे ये हो रहा है, शक हो रहा है उसके ऊपर कि ये फर्जी पर्ची दे रहे हैं, और वही मैंने दूसरी तरफ और दूसरे भी व्यापारियों से बात किया, छोटे छोटे शॉप वालों से, तो एक एक शॉप को 15 दिन में 4-4 रसीदें दे चुके हैं वो लोग, वो भी 1000-1000 रुपए की। कि जो बीकानेर है, बड़े बड़े होटल्स है, वो रात को 8-8, 9-9 बजे तक शुरू रहते हैं, उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके भी वीडियोज है मेरे पास में। लेकिन छोटे छोटे दुकानदारों पे शाम को 5 नहीं बज गए तो 5 के पहले आके खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपकी शॉप खुली है, फाइन भर दो करके। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर गलत हो रहा है, तो इसके तरफ नगर पालिका आयुक्त और नगर पालिका के बड़े अधिकारी खुद होके ध्यान दें। जाहिर है बेलापुर की यह घटना लॉकडाउन में मनपा अधिकारियों की संवेदनहीनता का संकेत देती है। फिलहाल कानून का पालन कराने की आड़ में वसूली किए जाने के आरोप पर वार्ड अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन शिकायतकर्ता चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मनमानी नहीं रुकी तो वे अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उम्मीद है कि नए मनपायुक्त इन शिकायतों पर संज्ञान जरूर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।